Namaskar and welcome to another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being Saturday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But please do remember that we do not address stock or company specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your hostess Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. Namaskar, shrotaon. Karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम व्यापारिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें सीधे इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2371-7106 और दूसरा नंबर है 2331-4444। हमारा तीसरा नंबर है 2342-1050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है। नमस्कार अम्बरीश, नमस्कार लालिमा और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। वेलकम। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं लालिमा अनेजा डेंग। थैंक यू अम्बरीश। यस, द हेडलाइन फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi says one of the most powerful ways to fight climate change is a behavioral change that must begin at every home. Finance Minister Nirmala Sitharaman says Indian economy expected to grow at 7% in the fiscal year 2022-23. And on Wall Street, the Dow falls 0.4% as mixed economic data affirms another interest rate hike by the Fed. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से होगा, जिसके लिए घर घर में प्रयास करने होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार 7% रहेगी और अमेरिका में मिले जुले आर्थिक आंकड़ों के मद्देनजर फेड द्वारा ब्याज दरों में एक बार फिर वृद्धि की संभावना के बीच वॉल स्ट्रीट में दाव में 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। और आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान केवल चर्चाओं से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए घर घर में व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। आज विश्व बैंक के एक आयोजन में अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि अरबों लोगों के छोटे छोटे प्रयासों के परिणाम बड़े हो सकते हैं। आयोजन का विषय था व्यवहार परिवर्तन से जलवायु परिवर्तन समाधान। श्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन में स्थानीय निकायों का पर्यावरण अनुकूलन, जल और ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट और ई कचरा प्रबंधन, स्वस्थ जीवन शैली, प्राकृतिक खेती और मोटे अनाजों का संवर्धन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन आंदोलन और व्यवहार परिवर्तन के मामले में देशवासियों ने पिछले कुछ वर्षों में काफी कुछ किया है। उन्होंने इस संबंध में लिंग अनुपात में सुधार, व्यापक स्वच्छता अभियान और एलईडी बल्बों के उपयोग की चर्चा की, जिससे प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 3,90,00,000 टन की कमी आई है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 700,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सूक्ष्म सिंचाई से काफी जल की बचत हुई है। All right, so when the green news becomes a part of Market Mantra, we know that it can affect the or it can improve the economy through employment. Sharad,
When you talk of green economy, we also talk about renewable energy. We have a separate ministry for renewable energy. The government is investing hugely in electric vehicles, incentivizing them, their manufacture and their as a consumer. Well, before we go on to that, let's take a call. We have Tarkeshwar from Delhi. Ji Tarkeshwar ji, sawal puche. हाँ सर, सर कोहली जी आपको नमस्कार। मैंने आपसे एक प्रश्न किया था। जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी एनुअल इनकम 5 लाख रुपया है। जी। 5 लाख पिछले 5 साल में एरियर के रूप में मिला है। इस साल आईटीआर में 10 लाख पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि उसमें मुझे रिलीफ मिल सकता है? तारकेश्वर जी नमस्कार। पहले तो आपको तारकेश्वर जी, जब आपको पिछले सालों की इनकम एक साथ मिलती है, जिसको हम एरियर्स बोलते हैं, इनकम टैक्स, इनकम के एरियर्स मिलते हैं, तो उसमें मैं आपको एक सेक्शन बता रहा हूं, आप उसको नोट करके रखिए। सेक्शन 89(1) है इनकम टैक्स का, जिसके अंतर्गत आप रिलीफ ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे एरियर्स पे आपको 5 लाख की जगह 10 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स कैलकुलेट करने का एक 89(1) में फॉर्मूला दिया हुआ है। मैं पूरा फॉर्मूला बताऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा, मोटा मोटा आपको बता देता हूं। जिस साल के एरियर्स हैं उसमें अपनी उस साल की इनकम ऐड करिए, उस पर टैक्स कैलकुलेट करिए, फिर इस साल की इनकम में बिना एरियर्स ये करिए। इस प्रकार से 4-5 पॉइंट्स का एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले सेक्शन 89(1) आप गूगल करेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा। उस फॉर्मूले पे आप जाइए और जो भी टैक्स का रिलीफ आता है वो अपने टैक्स पेबल में से आप उसको घटा सकते हैं। इसको 89(1) का रिबेट भी कहते हैं, रिलीफ भी कहते हैं। बिल्कुल आपको पूरे पे टैक्स देने की कतई जरूरत नहीं है। और दिल्ली से हमारे श्रोता मनोज लाइन पे हैं। मनोज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा लड़की अभी 2 साल की है सर, मतलब 18 साल के लिए कम से कम हम पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो किसी स्कीम में लगाने से फायदा होगा सर? मनोज बहुत नेक सोच है, पहली बात तो कि आप बच्ची के लिए लगाना चाहते हैं। तो आपने सुकन्या समृद्धि स्कीम का नाम सुना होगा अभी, जो वो तो निकाली ही बच्ची के लिए गई है, उसमें आप पैसा लगाइए। और इसके अलावा ये तो एक है ही है, तो बड़ी प्रचलित स्कीम है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। जब तक बच्ची 18-21 साल की होती है उतने दिन के लिए आप लगा सकते हैं, उसके बाद आपको एक मुश्त मिलता है। और इससे अगर आपके पास ये विकल्प, बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं साहब सुकन्या समृद्धि के अलावा और क्या विकल्प हैं, तो उसके अलावा आप जो पॉपुलर हैं पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम्स हैं मनोज, जिसमें बहुत बहुत सेफ हैं क्योंकि वो सरकार की तरफ से हैं। उसमें टर्म डिपॉजिट्स हैं, मंथली इनकम प्लान्स हैं, और अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो आप डेट फंड्स की तरफ भी देख सकते हैं। और थोड़ा सा और एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ देख सकते हैं, जहां आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। और अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि संडे को मार्केट मंत्रा डेडिकेटेडली म्यूचुअल फंड्स के ऊपर होता है, तो आपको बकायदा म्यूचुअल फंड्स के नाम जिनमें आप करना चाहते हैं वो भी सुनने को मिलेंगे। तो ये सारे विकल्प हैं। तो मेरी सलाह सभी निवेशकों को, लालिमा और अम्बरीश, ये रहती है कि अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे और लंबे वक्त तक करे, तो कुछ काम पैसे के लिए पहले करना चाहिए। और वो काम होता है कि जितने भी विकल्प हैं उनको इवैल्यूएट करके, उनका तोल मोल करके, सारा विश्लेषण करके, उसके बारे में रिसर्च करके। मैंने देखा ज्यादातर निवेशक क्या करते हैं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, वो क्या करते हैं, कहा सुनी में हियर एंड से कर देते हैं। किसी ने ये कहा भाई मैंने कर दिया, फिर बाद में क्या होता है, पैसा फंस जाता है, नहीं नहीं यहां नहीं, यहां करना चाहिए था। तो अगर आप इसमें थोड़ा वक्त लगा के काम करेंगे, जो मैंने आपको विकल्प बताए, अब मैंने विकल्प आपको बता दिया, आधा काम तो मैंने कर दिया, अब आपको सिर्फ इन सब विकल्पों को अलग अलग, अब इतना समय नहीं है कि मैं एक एक को बहुत विस्तार से लूं, पर आप इन बिंदुओं पर रिसर्च करके और थोड़ा विश्लेषण करके आप निर्णय ले सकते हैं। Right, that was well said. So you can think of many options. Sukanya Samriddhi, post office, debt funds. Moving on, we have Navneet calling all the way from Jaipur. Ji Navneet ji, sawal puchhe. Ji. एक प्रश्न जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न को समीशन को लेकर है। जी। मेरे फादर इन लॉ की डेथ जो है अभी 24 फरवरी 2023 को हो गई। मेरे फादर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ की ज्वाइंट FDR जो है वो कुछ बैंकों में थी, जी, जो ज्वाइंट होल्डिंग बेसिस के ऊपर थी, तो वो आइदर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर उन सारी FDRs का जो पैसा है मेरी मदर इन लॉ को मिल चुका है। जी। आज तक मेरे फादर इन लॉ ने एक सिंगल टैक्स रिटर्न ही वो भरते थे, वो अपने नाम से भरते थे। जी। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि अब मेरी मदर इन लॉ को उनकी आखिरी जो टैक्स रिटर्न है एज ए लीगल रेजिडेंट तौर पर दाखिल करनी होगी। जी। तो ये जानना चाहता हूँ कि 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच जो भी उन FDRs के ऊपर इंटरेस्ट इनकम आई है मेरी मदर इन लॉ को, तो क्या मेरी मदर इन लॉ को 2 टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेंगी, एक मेरे फादर इन लॉ के बिहाफ पर एज ए लीगल रेजिडेंट
और एक अपनी पर्सनल, ये मेरा प्रश्न था। क्या दो रिटर्न भरनी पड़ेगी या एक ही रिटर्न भरनी पड़ेगी? जी नवनीत जी, पहले तो हमें बहुत खेद है, आपके फादर इन लॉ साहब का निधन हुआ, हमें बहुत खेद है इस बात का। बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा है, जो बीच में फाइनेंशियल ईयर के बीच में जब ऐसे निधन होता है तो जो बाकी का बचे हुए समय होता है उसमें उसको हम लीगल एयर कहते हैं कि आपको लीगल एयर के रूप में आपकी जो सासू माँ है उनको रिटर्न भरनी पड़ेगी। और फिर 1 अप्रैल से जब सक्सेशन हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली FDs पे नॉमिनेशन होता है, और जब नॉमिनेशन के माध्यम से वो पैसा आइदर और सर्वाइवर आपने बताया ही था, तो जब आपकी सासू माँ के पास आ जाएगा तो उस समय फिर वो अपनी रिटर्न में उसको दिखाया करेंगी। पर तब तक के लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, जी हाँ, आपकी मदर इन लॉ को अब एक तो अपनी रिटर्न वो भरती हैं, और एज ए लीगल एयर वो अपने स्वर्गवासी पति की भी फाइल करेंगी। पर मेरी आपको सलाह यह है कि आप पोर्टल पे जाके इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट जरूर करें अपने पोर्टल में लॉग इन करके, क्योंकि आयकर को यह सूचना अवश्य दे दें जब आप लीगल एयर करेंगे, हालांकि वो पूछता है पर यह सूचना दे दें। और बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा नवनीत जी, आपने तो अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया, मैं तो खाली उसको वेरीफाई कर रहा हूं। जी जी। और मुंबई से हमारी श्रोता शहनाज लाइन पे हैं। शहनाज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहती। थैंक यू वेरी मच। मैं शहनाज बच्चना मुंबई से बोल रही हूँ। शरद जी, लास्ट वीक मैंने आपसे सवाल पूछा था, शायद मैं ठीक से पूछ नहीं पाई या तो आपका जवाब मैं ठीक से समझ नहीं पाई। इस समय मैं दोहरा रही हूँ मेरा सवाल, तो मैं जहाँ पे एम्फसाइज कर रही हूँ ना, आप उस पर ध्यान दीजिए। जी, तो मेरा सवाल ये था कि हमारी इनकम जो फिक्स्ड है कितने सालों से, जी, अबाउट 3 लाख टैक्सेबल इनकम जाने के बावजूद भी जब TDS नहीं कटता था, जी, इसी साल क्यों कटा? व्हाई दिस ईयर ओनली वेयर एवरीथिंग इज द सेम, रूल सेम है, सब कुछ सेम है इसके बावजूद? और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इट इज अ नेशनलाइज्ड बैंक। ऑन एयर अंडर द प्रोटोकॉल आई कैनॉट मेंशन द नेम ऑफ द बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारे अंकल जो सुपर सीनियर सिटीजन है, 5 लाख तक का है, राइट, अप टू 5 लाख, उनका भी TDS कटा, तो ये बैंक क्या कर रही है, कौन सा गोलीबार चला रही है, हम पे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ क्लियर करेंगे कि कुछ रूल चेंज हुआ है, सर्कुलर चेंज हुआ है, या बैंक की कोई गलती है जहाँ पे हम कुछ सुधार कर सके। एनीवे, ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन शहनाज। पहले तो आपको रोजे मुबारक, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक की, मुझे जैसा आपने बताया है, आप मुझे याद है आप पिछले हफ्ते भी जुड़ी थी और आपने ठीक कहा, शायद आपके सवाल को सुनने में कोई गलती रही होगी। तो बिल्कुल बैंक को अगर 3 लाख से, और आपने 15H और 15G फॉर्म जो होता है अगर आपने वो जमा किया है और उसके बावजूद बैंक काट रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल बैंक गलती कर सकता है इसमें। मैंने आपको पिछली बार शायद जिक्र किया था कि अगर बैंक ऐसा कर रहा है तो आपके पास अब 2 रास्ते हैं। एक तो यह है कि आगे के लिए उनको ऐसा करने से आप रोकिए, उसके लिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम होती है, अंडर विच यू कैन यू नो फाइल अ कंप्लेंट दैट द बैंक इज डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स वेयर इट शुड नॉट हैव डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स। तो एक तो आप ये कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि जो शहनाज, जो कट ऑलरेडी चुका है, जो TDS आपका पहले से ही कट गया है, तो इसमें शहनाज कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। मैं चिंता की बात यह जरूर है कि नहीं कटना चाहिए था और कट गया, पर अब कट ही गया है तो कहीं गया नहीं है। 26AS में वो रिफ्लेक्ट करेगा और आप उनकी रिटर्न फाइल करिए, और रिटर्न फाइल करके मैं आपको ये इत्तला देना चाहूंगा कि अब बहुत जल्द इसका रिफंड आ जाता है। आप फाइल करेंगे और आप देखेंगे कि चंद, कई बार तो चंद हफ्तों में, एक साहब तो मुझे मिले जिनका 1 हफ्ते के अंदर रिफंड आ गया, 1 महीने में, 2 महीने में रिफंड आ जाता है। तो अगर कट गया है तो करिए, और आगे से आप बैंक से गुजारिश करिए, अगर वो नहीं सुनते हैं तो आपको मैंने जो अल्टरनेट बताया RBI ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर, आप एक कंप्लेंट उस बैंक के नाम डाल सकते हैं कि साहब हमारी बात वो नहीं सुन रहे। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो गई होगी। नहीं होगी तो आप फिर अगले हफ्ते जरूर कनेक्ट करेगा शनाब जी। राइट, दैट इज एडवांटेज डिजिटाइज्ड इंडिया, दैट एवरीथिंग हैपन्स सो क्विकली नाउ। वेल, यू नाउ जॉइन बाय अतानु फ्रॉम कोलकाता। जी अतानु जी, सवाल पूछें। जी हाँ, नमस्कार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी सर। माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स विथ ग्रीन अकाउंटिंग, एंड डू वी एक्सपेक्ट आवर कंट्री विल टेक लीडिंग पोजीशन इन दिस एरिया? थैंक यू। वेल मिस्टर अतानु, ग्रीन इकोनॉमी इज पार्ट ऑफ ऑल द इनिशिएटिव्स एंड ऑल द प्रोजेक्ट्स and all the efforts being made in the interest of protecting the environment, whether it is relating to carbon emissions, whether it's relating to electric vehicles,
whether it's relating to use of solar energy, whether it's related to use of wind energy, whether it's anything related to giving up on fossil fuels. So I think that's all that is part of the green economy. And as you rightly said, yes, India is taking the lead under the leadership of the Prime Minister. I think a lot of efforts have been made. India at various COP summits have already committed, and we are likely to achieve our goal of carbon free sooner than Iman. Today, I mean, just when the Market Mantra began, I was listening to Lalima when she was reading about Prime Minister making the statement about the behavioral change which people need to do. So we should keep in mind, Mr. Atanu, as the last word that I can say, that green or environment friendly efforts are related to individuals. That's what he said. That, it is the responsibility of each and every citizen to probably make sure that, our climate, our world becomes climate protected, or we don't head for disaster. So therefore, you are also part of green economy. So green economy is a composite term used for all these initiatives. Yes, India is going to be a leader in the times to come, undoubtedly, Mr. Atanu. All right, let's take a look at what the finance minister said today. Well, the finance minister, Nirmala Sitharaman, has said that Indian economy is expected to grow at a rate of 7% in the fiscal year 2022-23. She made the comments while attending the plenary meeting of the International Monetary and Financial Committee at the IMF headquarters in Washington, where the managing director's global policy agenda was discussed. The IMF and World Bank have both projected India to be the fastest growing major economy in 2023. Sitharaman attributed this to a conducive domestic policy environment and the government's focus on structural reforms that have kept domestic economic activity robust. During the meeting, Sitharaman emphasized the importance of digitalization, specifically digital public infrastructure, which has revolutionized access and created a vibrant entrepreneurial ecosystem in India. More on that later. Right now, we are joined by Bharat calling us from Mumbai. Ji Bharat ji, sawal puche. Hello. कोहली जी नमस्कार, मैं भरत पासी बोल रहा हूँ बॉम्बे. नमस्कार भरत जी. सर मेरा पूछना था कि मेरी मिसेज एडमिट थी, बिल आया सर 4 लाख के ऊपर, तो मुझे कुछ उसमें से पैसे मिले और कुछ नहीं मिले हैं, कुछ करीबन 80,000 तक, तो और 2 टाइम ऐसा हुआ, तो उसको मैं कहीं क्लेम कर सकता हूँ सर? भरत जी, पहले तो हमें बहुत खेद है कि आपको इस परेशानी से आपकी धर्मपत्नी को गुजरना पड़ा, और हमें खुशी इस बात की है कि वो ठीक होकर आ गई हैं. आपने कहा कि पूरे पैसे आपको नहीं मिले, तो ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि आप ये कहां से आप कह रहे हैं क्लेम करेंगे. शायद आप अगर इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 80D एक होता है जिसके अंदर मुझे लगता है शरद जी शायद वो इंश्योरेंस से उनको कुछ पैसे मिले होंगे. तो अगर इंश्योरेंस से पैसे मिले हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस जिसका मैं जिक्र करने जा रहा था 80D में, तो जितने पैसे मिले हैं भरत जी वो उतने ही शायद वो एलिजिबल होंगी, या जो स्कीम होगी आपके मेडिकल इंश्योरेंस की उसके अंतर्गत जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी मुझे लगता है वो यही इतने ही पैसे की होंगी. बाकी के पैसे आप कहीं से रिकवर तो नहीं कर सकते. अगर आप क्लेम करने की बात कर रहे हैं तो आयकर में तो क्लेम तभी हो सकता है सीनियर सिटीजन, अगर आपके पास 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है. अगर मेडिकल इंश्योरेंस है तो फिर तो जो आप प्रीमियम देते हैं उसी को आप क्लेम कर सकते हैं. तो जितने पैसे मिल गए मुझे लग रहा है आपको उसी उतने से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा जी. और फरीदाबाद से हमारे श्रोता प्रेमचंद लाइन पे हैं. प्रेमचंद जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. नमस्कार सर. नमस्कार सरद जी. नमस्कार. नमस्कार प्रेमचंद जी. सर मेरे को मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई RTI ना भरे तो उसको बैंक लोन देता है कि नहीं देता, क्योंकि मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ तो मेरी इनकम सोर्स भी नहीं है, तो मैं अपना हाउस बनाने के लिए लोन लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? प्रेमचंद जी, आप इनकम टैक्स रिटर्न का शायद जिक्र कर रहे हैं कि अगर आप टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो क्या आपको हाउसिंग लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता. देखिए, ये बात सच है कि बैंक्स जब हाउसिंग लोन देते हैं तो वो बैंक्स को ये देखना होता है कि आप जो उसकी किस्त है EMI जिसको कहते हैं वो आप देने में समर्थ हैं कि नहीं, कि आपकी कोई कांस्टेंट इनकम फ्लो नहीं है या पर्याप्त इनकम फ्लो नहीं है, तो आप कैसे उसको वापस कर पाएंगे. इस वजह से बैंक उसमें इनकम टैक्स रिटर्न देखते हैं. मैं आपको सलाह ये दूंगा प्रेमचंद जी कि आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आप ज्वाइंट बोरोवर बना लीजिए, और जो आयकर फाइल करते हो और उनको आप साथ लेके फाइल करें तो आपको बैंक फिर शायद लोन लेने में आसानी हो जाएगी.
बाकी ये सच है कि मकान के लिए जो ईएमआई के लिए बैंक्स इनकम टैक्स रिटर्न देखते हैं, इसीलिए आपको समस्या आ रही है, पर आप किसी को बोरोअर को ढूंढिए, मुझे लग रहा है उससे ये समस्या का समाधान हो सकता है। ऑलराइट, वी हैव नाउ सतीश ऑनलाइन कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। जी सतीश जी, सवाल पूछें। गुड इवनिंग कोहली साहब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सतीश जी। सर मेरा फादर इज 85 ईयर ओल्ड, ही इज नॉट फाइलिंग रिटर्न। जी। उनका नाम पे एक टावर है एयरटेल के, रेंट आता है 28,000। जी। उसमें 3,000 टीडीएस काट लेते हैं वो। जी। और बाकी का पैसा देते हैं। जी। वो फॉर हाउ मेनी इयर्स वी कैन फाइल द पास्ट रिटर्न्स टू क्लेम दिस अमाउंट, और वो टीडीएस सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं। सर छोटा सा, और नेक्स्ट ईयर्स में हमारा पॉपुलेशन कहाँ होगा और इकोनॉमी का क्या हालत होगा? थैंक यू सर। सतीश जी, आपने जो अपने फादर का जिक्र किया, वो वरिष्ठ नागरिक हैं, 85 साल उनकी उम्र है, और टावर से रेंट आता है, और टीडीएस अगर कट रहा है तो पिछले सालों में रिटर्न नहीं फाइल करी है। सच है कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करें तो उसका रिफंड नहीं ले सकते आप। तो कायदे से अगर आप मेरे से पूछे कि नियम क्या है, नियम तो ये अब कहता है कि अब रिटर्न को मान लीजिए इस साल की जो रिटर्न है, जो अभी साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है और 31 मार्च को ये खत्म होगा, इसकी रिटर्न की डेट जुलाई होगी, और या चलिए मैं पिछले साल की बात करता हूं तो अब जो 31 जुलाई को रिटर्न होगी उसको ज्यादा से ज्यादा आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। पहले यह सुविधा 2 साल तक की रिटर्न की थी, उसके बाद 1 साल में 31 मार्च तक हुई, अब ये 31 दिसंबर तक है। पर एक प्रोविजन सतीश जी इसमें है जिसके अंतर्गत जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ आयकर में, वो एक एप्लीकेशन डालकर कमिश्नर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिफंड के, और आपके क्योंकि पिताश्री बहुत वरिष्ठ हैं तो मुझे लग रहा है आपके एरिया के जो कमिश्नर हैं वो उस बात पे मान जाएंगे, आप एक बार जरूर कोशिश करके देखिए। दूसरा, आपने पूछा जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था तो सतीश बहुत अच्छी जा रही है, हम 140 करोड़ हैं और भारत की ये स्ट्रेंथ बन रही है, आज भारत चमकता सितारा है। अभी आईएमएफ के जो आंकड़े निकल के आए, आपने देखा होगा भारत को सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का टाइटल मिला है, हालांकि 5.9 का एस्टीमेट लगाया है पर उसके बावजूद तेज है, तो मुझे भारत का भविष्य उज्ज्वल है और मुझे नहीं लग रहा भारतवासियों को कोई चिंता करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है भारत आने वाले 10 सालों में ये भारत के वर्ष होंगे और भारत आपको दुनिया को लीड करता दिखेगा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। जी। और दिल्ली से हमारे श्रोता अनिल लाइन पे हैं। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार लालिमा जी, नमस्कार कोहली साहब। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार अनिल जी। जी, मेरा मेरे पास कुछ शेयर थे वो खो गए हैं। आवाज आई थिंक वी गॉट अ स्लाइट डिस्कनेक्ट देयर। आप कहें तो, क्योंकि उन्होंने असली बात बोली थी, जिन लोगों के शेयर खो जाते हैं, मेरे ख्याल शायद सभी के काम की होगी लालिमा, आपकी इजाजत हो तो। हाँ जी बिल्कुल। तो जिनके खो जाते हैं, देखिए उसमें आपको एक FIR करानी पड़ती है, और अगर आपके पास उन शेयर्स के नंबर्स हैं, डिस्टिंक्टिव नंबर्स जिनको बोलते हैं, उनके माध्यम से आप कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है उससे संपर्क करके और आप उन शेयर्स को डुप्लीकेट इशू करा सकते हैं, क्योंकि आपका नाम दर्ज होता है रजिस्ट्रार के पास। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि जो खो गए तो वो खो ही गए, अगर आप थोड़ी सी मेहनत एफर्ट करें तो आपको शायद वापस वो उसको रिट्रीव कर सकते। बाकी पूरा प्रश्न हम नहीं सुन पाए तो मोटा मोटा इतना तो मैं बता ही सकता हूँ। राइट, वी हैव नाउ दिलीप ऑनलाइन फ्रॉम मुंबई। जी दिलीप जी, सवाल पूछें अपना। जी हाँ, मुंबई से मैं दिलीप किशन वाबले। हाँ जी। नमस्कार जी सबको, सभी पूरी टीम को नमस्कार। जी जी हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि जैसे अभी LIC होती है अपनी भारतीय जीवन बीमा, तो ये जो एजेंट होते हैं जो सभी जगह अब परिचित होते हैं और सब जगह जाते हैं छोटे छोटे लोगों के पास, तो मेरा ये कहने का मतलब था कि जैसे अभी मिड कैप है, स्मॉल कैप है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में, ये जो म्यूचुअल फंड में जो होता है इसकी जानकारी छोटे लोगों को नहीं है। जैसे कि अब जैसे कि सोने हीरे की फर्क तो रावण ही जानता था, रामकृष्ण को कहाँ मालूम था ये सोना कैप पीतल कैप। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये भी अगर अलग अलग छोटे छोटे जो बचत होती है इनके पास पहुंचेंगे तो हो सकता है इनका भी फायदा हो, इनको भी पता चले कि भाई के पास 4 पैसे मिल रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट। जी जी दिलीप जी, बहुत अच्छी आपने सलाह दी है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं लालिमा और अम्बरीश से जो कहना चाहूंगा कि मार्केट मंत्रा मुझे लग रहा है देश के ऐसे ऐसे कोनों में जाता है जहां पर शायद कोई नहीं पहुंच पाता। तो दिलीप जी सबसे पहला सोल्यूशन तो संडे को आपको पता होगा म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है और दूर दराज के इलाकों के भी जो लोग हैं वो उसको सुनते हैं और स्मॉल कैप मिड कैप हाइब्रिड फंड्स इनके बारे में निरंतर चर्चा होती रहती है और आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है, सबके हाथ में फोन है,
आप गूगल करिए और आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है दिलीप जी, अब थोड़ा सा जमाना बदल चुका है। मैं तो बहुत गांव में जानता हूं लोगों को जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, जिनको बहुत जानकारी, जो लोग करते हैं वो जानकारी हासिल कर लेते हैं, और मार्केट मंत्रा से बढ़ के आपको कोई भी ऐसा माध्यम नहीं मिलेगा जो कि आपको इसके बारे में अवगत कराए। जी जी, वेल वी आर फ्लैटर्ड शरद, थैंक यू। थैंक यू। और फरीदाबाद से हमारे श्रोता मुनीश लाइन पे हैं। मुनीश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर वेरी गुड इवनिंग शरद जी, मुनीश शर्मा बोल रहा हूँ मैं। गुड इवनिंग सर, आई एम एन ऑप्शंस ट्रेडर बाय प्रोफेशन, आई एम एन ऑप्शंस बायर बेसिकली। ओके, तो सर आई यूजुअली हैव अ वॉच ऑन मार्केट। तो अभी रिसेंटली जो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने रेट हाइक मतलब पॉज कर दिया था जी, बट मैं अभी जैसे यूएस के मार्केट को भी सर फॉलो करता हूँ, तो उसमें अभी जो जेरम पवेल साहब हैं और वहां पे क्या है कि अभी जो इन्फ्लेशन के फिगर्स आए थे उसमें कोर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ के आया था सर। तो ऑब्वियसली सर देखिए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपको फेडरेट को हाइक होते ही होते हैं। तो सर मैं ये चीज सोच रहा था, एज अ जनरली अगर मार्केट को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं चार्ट देखता हूँ, तो जो हमारे अगर आरबीआई गवर्नर ने बीच में किसी भी दिन रैंडमली अगर रेट हाइक कर दिया, जो कि अभी एक्सपेक्टेशन लग रही है, तो सर वो मार्केट की मतलब विल इट बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द मार्केट। मनीष, यू सी मार्केट डज रिएक्ट टू रेट्स, देर इज नो डाउट अबाउट इट। आई मीन मार्केट, वी हैव सीन इन द पास्ट द नंबर ऑफ रेट हाइक्स विच हैज हैपेंड, इन फैक्ट इन एंटिसिपेशन ऑफ रेट हाइक्स वी सी मार्केट्स रिएक्टिंग, देन व्हाइल द रेट हाइक इट हैपेंस सब्सिक्वेंटली ऑल्सो द मार्केट रिएक्ट। सो देयरफॉर आई थिंक वी शुड नॉट बी वरीड एज मच, बिकॉज द इन्फ्लेशन इज कूल डाउन इन अमेरिका एंड इन इंडिया इन पर्टिकुलर। वी सॉ रिसेंटली द इन्फ्लेशन नंबर्स कमिंग आउट, and inflation has come down below 6%, which is within the band of RBI. So I think the pause which the RBI has taken in the last monetary policy may just continue for the next one also, because after all inflation is a driving factor behind the repo rates. So nothing to worry. I think you seem to be a chart reader, a technical analyst. For you, you know, we say in market there is no upside or downside. For a technical analyst and for people who trade in derivatives, there is only one side, which is right side. So I think you should not be worried. Let Fed do whatever. You can keep reading your charts and I'm sure you're going to make lots of money, Manish. And as you talked, let me draw a similar pattern, whether it's 6.2 or 6% are hovering around 6. What we should remember is how our neighboring countries are suffering from huge inflation problems, whether Sri Lanka or Pakistan. Also, yes. We are far better. No doubt about that. But let's take a look, since we've gone a little beyond borders to our neighbors, let's go a little beyond and have a look at the US markets now. On Wall Street, key indices ended lower yesterday as a barrage of mixed economic data appeared to affirm another Federal Reserve interest rate hike, dampening investor enthusiasm after a series of big U.S. bank earnings launched first quarter reporting season. Bank majors Citigroup, J.P. Morgan Chase and Wells Fargo beat earnings expectations, benefiting from rising interest rates and easing fears of stress in the banking system. So the Dow Jones Industrial Average fell 143 points or 0.4% to end at 33,886. The S&P 500 lost 9 points or 0.2% to close at 4,138. And the Nasdaq Composite dropped 43 points to 12,123. The manufacturing activity in the U.S. slumped in March, the lowest level in nearly 3 years, as new orders plunged and analysts said activity could decline further due to tighter credit conditions. The Institute for Supply Management survey on Monday showed all subcomponents of its manufacturing PMI below the 50 threshold for the first time since 2009. Well, a brief comment, if the demand from US comes down, what happens to our exports? If US sneezes, Lalima, the world catches cold. Yes. That's what they say about the US. So definitely it's going to have impact. Although our export numbers have come amazingly well, we did $770 billion. Yes. And I think the whole world is our market. So why are we worried about only US in that case? Yeah, चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. शरद जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. And here's a reminder of the headlines, friends. Well, Prime Minister Narendra Modi says one of the most powerful ways to fight climate change is a behavioral change that must begin at every home. Finance Minister Nirmala Sitharaman says Indian economy expected to grow at 7% in the fiscal year 2022-23. And on the Wall Street, the Dow fell
falls 0.4% as mixed economic data affirms another interest rate hike by the Fed. And that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Amrish G signing off. Goodbye. Market Mantra.